जय गजराज, जय गजराज। अभी हम जा रहे हैं वेलनगिरी टेम्पल। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा था कि यहाँ कोई लोकल मंदिर वगैरह है, तो उन्होंने बताया वेलनगिरी है और जो कि पहाड़ों पे है। तो पर मेरा मन नहीं था, पैसे नहीं थे क्योंकि, तो 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं आना जाना दोनों और वेटिंग वगैरह सब कुछ। तो मैं बस में चढ़ भी गया था, फिर मैंने सोचा यार क्या करूँगा 300 रुपये बचा के, ठीक है, और अगर मैं आया हूँ तो आज का दिन मेरा यूज़ हो जाएगा। अभी ये मैं घूम लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं पैरूर में जाके दर्शन कर लूँगा उस मंदिर के, तो आज मंदिर का दिन हो जाएगा। तो कल मंदिर के लिए नहीं, फिर मैं कल बाकी कोयम्बतूर में जो भी चीज़ें हैं वो घूमूंगा। तो इसी को सोचते समझते मैंने कहा भैया चलो घूमने, उतर गया मैं बस से और आ गया ऑटो में बैठ गया। मैं ऑटो में अंकल मेरे को लेके जा रहे हैं। तो ये नीलगिरी हिल्स में, ये वेलनगिरी, और वैसे पर्टिकुलर पहाड़ का नाम वेलनगिरी लाइक माउंटेन ही है और वेलनगिरी माता का है। तो चलिए देखते हैं लाइक कहाँ है क्या है टोटल। और वैसे भी पहाड़ों में घूमने का अपना अलग मजा है। यार ये तो पता नहीं कौन से टेंपल पे ले आया यार, इतना तो मैं पैदल आ जाता और इससे पहले पैदल आ जाता मैं। अब यार यहाँ पे चप्पल भी उतार के जाना पड़ेगा, अब डर ये है कि कोई चप्पल उठा के ना ले जाए, ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा, किस्मत से ना ले जाएगा, ना यार किस्मत ले जाएगा, किस्मत तो ले जाएगा क्योंकि अभी नहीं जूते ना ही कुछ है, नंगे पैर जाना पड़ेगा और फिर लोग कहेंगे वाह 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 कितना बड़ा भक्त है। भक्ति दिल में होती है, शरीर से नहीं दिखानी चाहिए। मैं इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें बोल रहा हूँ ना व्लॉग में कि अगर कोई देखेगा इतनी गालियाँ देगा कमेंट्स में, बट कॉन्ट्रोवर्सी से फेमस होते हैं, फेमस होने का तरीका नहीं इनका टेक्निक। 300 रुपये यार बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये में होता ना तो मैं फिर भी मान लेता कि 50 रुपये जाना 50 रुपये आना, एक घंटा कौन वेट करेगा यार, एक घंटा तो मंदिर में कौन ही दर्शन करता है। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ। वाह ये इन्होंने बबूत में मेरे ख्याल से चंदन मिला रखी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, यह हो सकता है बबूत में परफ्यूम हो, कुछ भरोसा नहीं आजकल का। आइए बंदरों से मिलवाता हूँ मैं, इस बंदर को देख के मुझे कई लोगों की याद आ जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत बंदर होते हैं घर पे। जो लोग संन्यास लेके आते हैं उन लोगों के लिए ऐसे मंदिर अच्छे वो रहने के लिए जगह बन जाती है, तो वो ठीक रहता है। यहाँ पे अपना खाना पीना बना सकते हैं, यहाँ पे जंगल के बीच में रह सकते हैं, तो थोड़ा सा आदत में को ढंग से पा सकते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रेल है वेलनगिरी माता की, जो ट्रेल है वेलनगिरी का, असली मंदिर ऊपर ही है पहाड़ों पे, जो मैं देख के एक्चुअली आया था, जो केव वगैरह वाले जो सारी सिस्टम्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो वहीं ऊपर है। लेकिन ये अभी बंद हो रखा है ट्रेल इसलिए बंद हो रखा है क्योंकि अभी बारिश वगैरह हो रही है और ऊपर जानवर, जंगली जानवर भी रहते हैं तो खतरा रहता है। ये खुलता है तो शिवरात्रि से लेकर, और अभी किसी ने मेरे को कोई साउथ इंडियन त्यौहार बताया था, तब तक तो मतलब लगभग जून से स्टार्ट होता है और मई अगस्त तक रहता है, तब इस पर मतलब ये ट्रैक चलता है, उसके अदर टाइम्स ये बंद रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैक, ये ट्रैक जो ये ट्रेल है, सॉरी ट्रैक नहीं है, ट्रेल है ये। इस ट्रेल की सीढ़ियाँ भी काफ़ी मतलब ऊपर से कोई देखेगा तो कहेगा ओ भाई साहब ये कहाँ गए, लेकिन ठीक है ऐसे ड्रैक भी चढ़ा जा सकता है बट सीढ़ियाँ हैं तो बेटर है। आई होप यार खुला होता चलते ऊपर, बट चलो और अच्छी भी बात है मैं चप्पल में आया हूँ। अब ये एक बार परिक्रमा कर लेते हैं,
I will just join the group behind. चलिए, पर वैसे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप कहीं भी जाके आराम से अपना झोपड़े लगा के रह सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। मतलब सदगुरु जी ने बहुत सोच समझ के ईसा सेंटर बनाया है, बहुत अच्छी जगह ईसा सेंटर बनाया है। मैंने अभी ट्राईपॉड इसलिए रख लिया क्योंकि आज इस अधियोगी के पास जिसने मेरा ट्राईपॉड दिखा सबने आके मेरे से फ़ोटो खिंचवाई, मुझसे खिंचवाई, मैं अपना फ़ोन देके मुझसे बोला कि हमारी फ़ोटो खींच दो। और मैंने कम से कम 6 से 7 फैमिलीज की ऐसे फ़ोटोज़ खींची, ग्रुप्स की ऐसे फ़ोटोज़ खींची। उस वजह से मुझे बार बार भागना पड़ रहा था अपना ट्राईपॉड लेके, कभी किसी साइड जाना पड़ रहा था, कभी किसी साइड जाना पड़ रहा था। ठीक है यार, अब चलते हैं ना, अब चलते हैं, उस सफाई वाली को कुछ दे देते हैं। है नहीं, खुले नहीं है, रुक जाओ, है खुले, खुले नहीं है, पैसे नहीं है, खुले हैं नहीं, ठीक नहीं है, कोई नहीं यार, ठीक है, अच्छा है। पहाड़ों के बीच का ऐसे मंदिर भी देखना चाहिए, इनके अपने अलग मज़ा होता है। ये काम करते हैं, हम उनको बोलते हैं भैया आसपास कोई एक और दो मंदिर हो तो घुमा लें, ठीक है, क्यों फालतू में टाइम पास करना। और फिर अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता तो चलते हैं वापस पेरूर। चलो हम वापस चलते हैं। यार मैं ये नहीं कहूँगा 300 रुपये वेस्ट हो गए बिल्कुल, ठीक है, ठीक ठीक था, कुछ घूम लिया, एक्स्ट्रा देखने को मिल गया, लेकिन 300 रुपये वाला नहीं था। अब भगवान को तो आप पैसे में नहीं मतलब बोल सकते, भगवान के लिए तो सब कुछ दे दो तो भी वो है कम है, लेकिन स्टिल यार रियलिटी तो रियलिटी होती है ना। 300 या 200 और प्रेशर, 200 बोलता ना तो 250 का कर देते, मैंने 250 ही बोला तो नहीं कम किया, मैं 200 बोलता तो 250 में मान जाते। मैं पहुंच गया वापस से जहाँ से मैं गया था, लौट के बुद्धो घर को आए, ठीक है। अब यहाँ तो यार भीड़ लग रही है बस के लिए, लगता है बस आई नहीं है काफ़ी देर से, वैसे रोड पे दिखी भी नहीं एक भी बस। चलिए कोई नहीं, आती होगी। चलिए अब बस का वेट करते हैं, बस आने पे बताता हूँ मैं आप लोगों को। यार बस में तो चढ़ गया, लेकिन वो मंदिर जाना ना गलत डिसीजन निकला, बस भी गई, सीट भी गई, और सीट नहीं मिली। अब खड़े होके जाना पड़ेगा पेरूर तक, जो कि यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर है। कोई नहीं, तो जाना है, छोड़ दिया जो बस छोड़नी थी। ये हम आ गए हैं पेरूर पतेश्वर टेंपल में। तो जो कंडक्टर भैया थे उनको मैंने पहले ही बोल दिया था, भैया बता देना मुझे नहीं पता कहाँ उतरना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और अभी जैसे आया उन्होंने बुला लिया मुझे गेट तक, और सीटी भिजवा के गाड़ी से मतलब एकदम गेट पे उतारा, मतलब कहीं आगे पीछे कहीं नहीं, एकदम जस्ट ये गेट पे वहीं उतारा है। और ये रहा मंदिर, तो उतरने के बाद चलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। मुझे नहीं लगता अंदर कैमरा अलाउड होगा, जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक ले के चलते हैं। हाँ तो बैग अलाउड है अंदर, हम लोग अंदर आ गए हैं। ये क्या इधर प्रसाद है, ये देखिए टेंपल को कि बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, ठीक है। और जो उसकी कारीगरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये तो साउथ के सारे टेम्पल्स ऐसे ही हैं लगभग, कि मतलब काफ़ी कलरफुल से हैं और प्रॉपर पत्थर के काम हुए हैं हर जगह। मतलब कोई आजकल के नए ज़माने की तरह पुट्टी वुट्टी से कुछ नहीं, सब पत्थर का बनाया हुआ है। और उस पर ये मतलब
जितने भी उसमें पैटर्न्स थे सबको अलग अलग कलरों से कलर किया गया है और सारे लगभग टेम्पल्स ऐसे ही हैं। तो मैं वही बोल रहा था ना कि तमिलनाडु बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो तमिलनाडु के अलावा मतलब जो भी इधर साउथ इंडियन है ये लोग बहुत कलर यूज़ करते हैं। ये अच्छी भी बात है, हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा कलर खोती जा रही है, सब ग्रे ब्लैक वाइट लाइक करते हैं, बट हमें ज़रूरत है ऐसे कलर्स की अपने लाइफ में। दर्शन हो चुके हैं, दर्शन करके अब हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद और मैं आपको और दिखाता। मैंने एक दो जगह देखा जहाँ लाइट्स वगैरह जल रही थी, तो मैं सिर्फ मैं एक बार चक्कर लगा लूँ, उसके बाद फिर हम वहाँ पे चलेंगे। हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे कभी किसी से पूछते हैं जिसको इंग्लिश आती होगी कि आसपास कोई घूमने की जगह है, और अगर है तो वो घूम लेते हैं, अदरवाइज़ चलते हैं वापस से कोयम्बटूर जंक्शन। अभी मुझे कल जो डॉर्मेटरी ली है उसकी जो कंफर्मेशन बुकिंग थी, जो कंफर्मेशन था उसको भी प्रिंट करा के उसको देना है, वार्डन को देना है, तो वो देंगे तो वो भी करा लेंगे। वो जाते हुए देख लूँगा कोई साइबर कैफ़े वगैरह होगा उसके पास पक्का, रेलवे स्टेशन के पास कोई ना कोई साइबर कैफ़े होगा, फिर आगे जैसा होगा वैसा प्लान करेंगे। मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से इसके आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाया। इस पैरूर मंदिर के आसपास तो कोई दूसरा मंदिर था नहीं, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि क्यों ना वापस से कोयम्बटूर जंक्शन चलते हैं और उसके आसपास के जितने भी मंदिर हैं सब आज ही घूम लेते हैं और उनके दर्शन कर लेते हैं। कहीं जाइएगा मत, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।